नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। और आज मैं आपको गणित का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा, लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको सिखाने वाला हूं। और ये प्रैक्टिकल आप घर में खुद कर सकते हैं कि अंकों का जो मैं अभी जो बताने वाला हूं रहस्य, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अलग टाइप का रहस्य है और बहुत ही अद्भुत है। और ये हमारा 16वें नंबर का वीडियो है। जी हां दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट देखा होगा 369 अंकों का रहस्य। 369 अंकों के रहस्य में हम क्या करते हैं, हम जो है 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं के अद्भुत रहस्यों के बारे में बताते हैं। और आज हम इन्हीं में से एक और रहस्य बताने वाले हैं जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मजेदार है और एकदम हटके है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, आपने अभी तक अंकों के रहस्य को सीखना प्रारंभ नहीं किया है तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है 369 अंकों का रहस्य, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 15 वीडियो और मिलेंगे जो पहले से बन चुका है और ये 16वें नंबर का वीडियो है। और ऐसे ही गणित के अंकों का जादू आप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है। जी हाँ, मैथ्स मैजिक जादुई गणित, तो इस प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं। या फिर आपको मैजिक स्क्वायर सीखना है। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, 3x3 का मैजिक स्क्वायर होता है, 4x4 का, 5x5 का, कोई भी मैजिक स्क्वायर आपको सीखना है, उसके लिए आपको उसका भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो ये 3 प्लेलिस्ट एकदम यूनिक है, जिसको आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के उस प्लेलिस्ट को क्लिक करिएगा और उन सारे वीडियो का आनंद लीजिएगा जो गणित का जादू होगा या फिर मैथ्स मैजिक जो है मैजिक स्क्वायर होगा, उनको देखिए और आज का वीडियो पूरा देखिए। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आपको बता दूं कि हम जो है पूरा एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर हमारा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि मैं डिजिटल बोर्ड पर वीडियो आज नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, तो मैंने मोबाइल ले रखा है। इस मोबाइल में आपके सामने प्रूफ करते जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मोबाइल स्क्रीन, मतलब इस मोबाइल को निकाल के मोबाइल स्क्रीन में लगा लेंगे यहाँ पर और आपके सामने प्रूफ करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार वीडियो की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 369 लिया है और यही 3 अंक हमने क्यों लिया है इसके बारे में तो आज इस वीडियो में जान ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 1 भी लिया है। इसका मतलब यह है इस 1 को हम लेंगे और इस 1 से प्रूफ करेंगे, अर्थात 1 जो है प्रारंभिक संख्या है, है ना, तो हम 1 से प्रारंभ करेंगे। और बाकी 3, 6 और 9 पर कौन सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो तो आपको वीडियो देखते जाओगे तो समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 1 से प्रारंभ करते हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ इस प्रैक्टिकल को चाहे तो आप करके देख भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, मैं जो संख्या लूंगा जैसे 1, ठीक है, 1 को लेना है भाई, उसके बाद 3, 6 और 9 पर इस प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। यदि आप 1 लेते हैं और उसी संख्या में आपको उसी संख्या को जोड़ना है, सबसे पहले जोड़ना है, मतलब यहां पर देखिए बच्चों को इस प्रकार के जो संक्रियाएं है ना उसको सिखाएंगे ना तो बच्चे एकदम तन्मयता पूर्वक इस स्टिक को देखेंगे भी और सीखेंगे भी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने संख्या लिया 1, आपको 1 ही लेना है और क्या क्या संख्या लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो आप 1 को ले लीजिए, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जो भी संख्या प्राप्त होता जाएगा, जो भी संख्या प्राप्त होगा, जैसे 2 आया तो इसमें 2 को फिर से जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, 1 को हमने जोड़ा 1 से, 2 आया, जो भी उत्तर आया उसको हम फिर से जोड़ेंगे, कितना आ गया, 4 आया। अब 4 में 4 को फिर से आप जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यहां पर 8 आएगा। इसी प्रक्रिया को आपको क्या करते जाना है, आगे करते जाना है। यहां पर देखिए 4 और 4 8 आया, लेकिन जैसे ही हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 8 और 8 कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां पर इस संख्याओं का बीजांक निकाल लेना है, इस अंकों का बीजांक निकाल लेना है। तो 6 और 1 को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बीजांक की बात कर रहे हैं, यहां पर 7 आ रहा है, इसको आपको डबल नहीं करना है। इस संख्या को आपको क्या करना है, 16 प्लस 16 को फिर से डबल करेंगे तो 32 आएगा। 32 जो है 2 अंकों की संख्या है तो हमें 1 अंकों की संख्या बनाना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 और 2 5। फिर इस 32 को आपको फिर से 2 बार करना है, ये देखिए 32 को फिर से आपको क्या करना है, 2 बार करना है, मतलब जोड़ना है, या फिर इसको क्या कर दीजिएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, तो 32 दूनी 64,
इनको एक अंक बनाने के लिए हम इसका बीजांक निकालेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, और 10 को फिर से हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इतने भाग में आपको समझ तो आ गया होगा, एक बार और आपको करके बता देता हूं, 64 + 64 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 128। अब इस 128 को हम फिर से क्या करेंगे, इसका फिर से बीजांक निकालेंगे, तो 8 2 10 कितना आएगा, 11, इसका फिर से बीजांक निकालेंगे कितना आएगा, 2। इतने भाग में आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी आपको बहुत चीजें समझाने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। देखिए, हमने शुरुआत में 1 और 1 को जोड़ा तो हमारा उत्तर कितना आया, 2। 2 और 2 को जोड़ा कितना आया, 4। 4 और 4 को जोड़ा कितना आया, 8। उसके बाद हमने जोड़ा तो उत्तर तो 16 आया, बीजांक निकाले कितना आया, 7। फिर इसमें 16 16 को जोड़े 32, इसका बीजांक निकाले तो 5 आया, इसका बीजांक निकाले तो 1 आया, इसका बीजांक निकाले तो 2 आया। अब ये तो आपको लग रहा है कि सर कुछ संख्याओं का आपने किया है, पूरा अधिक संख्याओं का नहीं किया है, तो हम आपके सामने भी बहुत सारे संख्याओं का प्रैक्टिकल करके बताने वाले, ठीक है। तो हमारा उत्तर कहां पता कहां तक आया था, 128 तक, ठीक है। अब 128 को यदि हम क्या करें, दुगुना करें या फिर 128 में 128 को जोड़े, इसका मतलब इसका दुगुना करना, तो ये हमने दुगुना किया तो यहाँ पर उत्तर कितना आया, 556। यहाँ पर आप देख सकते हैं 556। अब 556 जो लिखा है इसके अंकों का बीजांक निकालेंगे ना तो कितना आएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 होगा, और 8 5 13, और 13 का फिर हम बीजांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। आपको समझ आ गया कि अभी तक कौन कौन सी संख्या आ रहा है, उसको ध्यान दीजिए। इसका फिर से हमें दुगुना कर देना है, तो इसका दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दुगुना करेंगे तो 512 आया। 512 का बीजांक निकालना है, और इसका जब आप बीजांक निकालेंगे तो 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 और 1 कितना रहा है, 8। इसका मतलब यह है, इसको आप जैसे करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, यहां पर देखिए इसका फिर से हमने दुगुना किया तो 4 2 और 1 कितना रहा है, 7, ठीक है। बीजांक जो है, बीजांक निकाल रहे भाई, इसका फिर से दुगुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 2 10 4 14, और 14 का फिर से बीजांक निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। अर्थात कहीं पर भी, यहां पर आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि हमने इस संख्या को आप अनंत तक ले जा सकते हैं, कहीं तक ले जाइए। मैं दिखूंगा आपके सामने ही कितने बार भी कर रहा हूं, देखिए आपको मैं कितने बार भी करके दिखा रहा हूं, देखिए मैं करते जा रहा हूं दुगुना करते जा रहा हूं संख्याओं को क्रमशः। आप देख सकते हैं बहुत सारी संख्या, बहुत बड़ी संख्या आ गया है। इसको भी अगर आप जोड़ेंगे, इन अंकों को आप जोड़कर देख लीजिएगा, इन अंकों को आप जोड़ते हैं ना तो इसका जो बीजांक है, याद रखिएगा कहीं पर भी इनका जो बीजांक है ना वो क्या नहीं आने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा जितने भी संख्या हमने जोड़ रहे थे, 1 और 1 को स्टार्ट किए थे, फिर उस संख्या का हम क्या करते जा रहे थे, दुगुना करते जा रहे थे, है ना। और जैसे दुगुना करते जा रहे थे तो हमारा जो बीजांक जो आ रहा था वो कहीं पर भी 3 नहीं आया, कहीं पर भी 6 नहीं आया, और कहीं पर भी 9 नहीं आया। इतना समझ आ गया होगा कि कहीं पर भी 3 6 और 9 जो है बीजांक नहीं आया। क्या है ये रहस्य आखिर, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि हमने जब 1 + 1 से स्टार्ट किया और इस संख्या को क्रमशः दुगुना करते गए, योग निकाले इसके बाद इसको हम दुगुना करते गए या फिर उसी संख्या में उसी को जोड़ते गए जो उत्तर आ रहा था, तो कहीं पर भी बीजांक जो है 3 6 और 9 नहीं आ रहा था। ये है इसका अद्भुत रहस्य। लेकिन अभी तो वीडियो प्रारंभ हुआ है, अभी तो पूरा इसका ट्रिक बचा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज में आपको समझाने वाला हूं, वो भी बहुत ही बारीकी से। अब आते हैं 3 पर। हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, 3 में अगर आप 3 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो 6 आएगा। उसके बाद क्या करना है, जो उत्तर आता है उसको उसी में जोड़िए या फिर इसको 2 से गुना करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात 3 में 3 को जोड़िए, फिर अगला संख्या जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है, गुना करते जाना है। गुना करने के बाद या फिर जोड़ना है या फिर गुना करना है, ठीक है, जो भी जो संख्या आएगा उसको 2 से गुना करना है भाई, उसी संख्या से गुना नहीं करना है, जोड़ना है या फिर 2 से गुना करना है, ठीक है, अगर गलत बोल दिया तो सॉरी। फिर इसका आपको क्या कर लेना है, बीजांक निकाल लेना है, तो 3 आया। फिर क्या करेंगे, इसका 12 का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, 12 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24। इसका बीजांक निकालेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 24 का फिर से दुगुना करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा। फिर 48 का हम बीजांक निकालेंगे तो 8 4 12, और 12 का फिर बीजांक निकालेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 48 का दुगुना करेंगे, ठीक है, 48 का आप दुगुना करेंगे तो यहां पर आएगा 96। 96 में आप इसको जोड़कर देख सकते हैं, योग बीजांक जो है 15 आएगा। 15 को फिर से जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। मैं केवल यहां पर आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं इस संख्या को आप और भी आगे कर सकते हैं, इसका जो बीजांक आ रहा है, चलो इसको भी आपके सामने देखिए। इसमें खासियत क्या है, हमने जब 3 को लिया तो हम आपको विशेष रूप से बता रहे हैं 3 6 और 9। आखिर 3 को जब हमने लिया तो इसमें क्या नहीं आ रहा है,
केवल आप अनंत तक जा सकते हैं। केवल और केवल इसका जो बीजांक है ना वो या तो 3 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा, या 6 आएगा या फिर 3 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। चाहे तो आप अनंत तक जा सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए हम 96 तक गए थे, या फिर आपका करिएगा 3 × 3 करिए, देखिए 3 × 3 नहीं करना है, शुरुआत में आपको जोड़ना है 3 + 3, उसके बाद संख्या को उसी संख्या में जोड़ते जाना है, इसका मतलब 2 से गुणा करते जाना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा उत्तर 12 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद 48 आएगा, उसके बाद 96 आएगा, यहां तक हम 96 तक आ गए थे, ठीक है। ये देखिए अब इस संख्या को अगर मैं रिपीट करता जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं, तो देखिए मैं अनंत तक जा सकता हूं, बहुत बड़ी संख्या तक हम जा सकते हैं, ऐसे कोई भी संख्या तक हम जाएंगे, और इन संख्याओं का हम क्या करेंगे अगर योग निकालेंगे, तो इसका जो योग है मतलब जो बीजांक है वो तो या तो 3 आएगा भाई या फिर 6 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ये 100% तय है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम जोड़ते हैं 6 × 6 = 12 है ना, 12 और 3 = 15, 15 और 1 यहाँ पर 1 = 16 हो गया, 16 और 2 = 18 हो रहा है, 18 में आप 6 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में आपको क्या करना है, 24 में आपको 9 जोड़ना है, तो 9 जोड़ेंगे कितना आ गया, 24 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33, और 33 को आप फिर से जोड़ेंगे तो बीजांक कितना आया 6। तो समझ गए होंगे कि देखिए हमने कितनी बड़ी संख्या लिया था, ये भी समझ आ गया, लेकिन अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है ना, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, मैं अभी आपको और क्या बताने वाला हूं। तो आपको समझ आ गया, जब हमने 1 लिया था तो कहीं पर भी 3, 6 और 9 उसका बीजांक नहीं आ रहा था, 3 को लिए तो हमारा बीजांक या तो 3 आ रहा था या फिर 6 आ रहा था। अब 6 की बात कर लेते हैं, उसके बाद 9 का ही बात करेंगे, भाई 9 का बचा हुआ है तो इसलिए पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। 3 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, 6 में सबसे पहले आपको 6 को जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 6 कितना होगा भाई 12, इसका हमें बीजांक निकालना है, कितना आएगा 3, ठीक है, फिर 12 का दुगुना करेंगे 24 आएगा, ध्यान दीजिएगा 24 आएगा। अब 24 को आप क्या करिएगा, यहां पर इसका बीजांक निकालेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इसका बीजांक कितना आएगा, निश्चित रूप से यहां पर 4 और 2 = 6 आएगा, फिर 24 × 2 = 48 होगा, 48 का फिर से आप क्या करेंगे बीजांक निकालेंगे, तो अब तो समझ आ गया होगा कि ये भी सेम टू सेम क्या हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे 3 का हो रहा था। तो यहां पर भी आपने 3 का देखा तो बीजांक 3 और 6 आ रहा था, 6 का भी आप कर रहे हैं तो बीजांक केवल और केवल 3 और 6 आएगा, इसके अलावा कुछ भी संख्या नहीं आ रहा है, कुछ भी अंक नहीं आ रहा है, जबकि बहुत सारे अंक है ना, बीजांक केवल 3 और 6 आ रहा है। यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं कि जब आप क्या कर रहे थे, 1 से प्रारंभ किए और इसको जोड़ते गए, क्रमशः जो उत्तर आ रहा है उसको जोड़ते गए, कहीं पर भी आपका बीजांक 3, 6 और 9 नहीं आया, यहां पर नहीं आया वाला बात हो रहा है। लेकिन जब आपने 3 को 3 से जोड़ा और क्रमशः जोड़ते गए, उत्तर में बीजांक जो है कितना आ रहा था 3 और 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। उसी प्रकार यदि आप 6 को 6 में जोड़े शुरुआत में, फिर उस संख्या को आप क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे, या फिर उसी संख्या को उसी में जोड़ रहे थे, तब भी आपने देखा कि बीजांक या तो 3 या फिर 6। अब क्या करेंगे, 9 की बात करते हैं, आखिरी में बात करते हैं 9, और आप सभी जानते हैं 9 जो है 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और इसीलिए 9 को एक यूनिक नंबर कहा जाता है, एक अद्भुत संख्या कहा जाता है, और इसको शायद इसीलिए ब्रह्म संख्या भी कहा जाता है। निश्चित रूप से अगर हम 9 की बात करें, 9 को 9 में जोड़ेंगे, अब देखिए वो रहस्य आपको बताने वाला हूं कि यदि हम 9 में 9 को जोड़े, अब देखिए 9 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 18 आएगा, यहां पर बीजांक कितना आएगा, यहां पर बीजांक आएगा 9, 18 को आप जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 36 को आपको क्या करना है, 18 को 18 से जोड़े 36 आया, 36 का बीजांक निकालेंगे तो 6 और 3 कितना आएगा 9, अब 36 को आप फिर से जोड़ेंगे कितना आएगा 72 आएगा, या फिर दुगुना करेंगे ना, दुगुना करेंगे या फिर जोड़ेंगे, कितना आ गया 72, इसका बीजांक निकालेंगे तो 9, यहां पर 72 को फिर से आप दुगुना करें 2 × 4, ठीक है, 7 × 14, यहां पर 7 × 14 100 कितना आ रहा है 44, ठीक है, इसको फिर से बीजांक निकालेंगे कितना आएगा 9, 144 को फिर से आप दुगुना करेंगे या फिर जोड़ेंगे तो यहां पर 8, 8 और 2 आएगा, इसको फिर से निकालेंगे तो 8, 2, 10 और 8 कितना हो रहा है 18, 18 को फिर से आप बीजांक निकालेंगे कितना आएगा 9। अर्थात इस पूरा जो वीडियो है उसका रहस्य आपको समझ आ गया होगा, इसका महत्व आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या बताया था। अब आपको पूरा शुरू से लिख देते हैं, 1, 3, 6 और 9 हमने लिए थे, है ना, इसको हम जोड़े, है ना, सॉरी इसी को इसी संख्या से जोड़े, ठीक है, जोड़ दिए, इसका उत्तर जो भी आया, फिर इसी संख्या को इसी से जोड़ रहे थे, इसमें हमने 3 को 3 से जोड़ा, जो भी उत्तर आया उसी संख्या को जोड़ते जा रहे थे अनंत तक, 6 में हमने 6 को जोड़ा,
फिर इसी संख्या को जो उत्तर आ रहा था उसको हम जोड़ते जा रहे थे अनंत तक, नौ में हमने नौ को जोड़ा, जो भी उत्तर आ रहा उसको जोड़ते जा रहे थे। यहां पर जो बीजांक आ रहा था उसमें तीन छह और नौ कहीं पर भी नहीं आया, याद रखिए। इसके अलावा कुछ भी बीजांक आ रहा था लेकिन तीन छह और नौ नहीं आ रहा था। इसका बीजांक केवल तीन और छह आ रहा था, इसका भी बीजांक केवल तीन और छह ही आ रहा था, लेकिन इसका बीजांक केवल और केवल नौ ही आ रहा था, केवल और केवल नौ। नौ कहता है कि भाई मैं और कुछ भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो, तो मैं ही आऊंगा और कुछ भी नहीं आऊंगा। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब आपको निश्चित रूप से यह समझ आ गया होगा कि मैंने 369 पर अद्भुत रहस्य वाला प्लेलिस्ट अलग से क्यों बनाया है और इस टॉपिक पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। भाई ऐसे अंकों के जो रहस्य है ना उसको आपको सभी लोगों को बताना है, ताकि गणित कठिन ना लगे बल्कि गणित जो है अद्भुत लगे, एकदम अनोखा लगे, और बहुत ही आसानी से इस प्रकार के गणित को ट्रिक को हम लोगों तक पहुंचा सके। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। निश्चित रूप से ऐसे ही शानदार वीडियो आपको और देखना है ना, तो बगल में आपको बहुत ही शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को आपको क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।